तो हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू एपिसोड नंबर 78 ऑफ द रियल सुपरहीरो फैक्ट्स। तो आज इस वीडियो में मेरे पास बस एमसीयू मूवीज की कई सारी मेजर और इम्पोर्टेंट अपडेट्स है, जहां डीसीयू मूवीज के अपडेट्स पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और साथ ही इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बने किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एंटमैन 3 मूवी के बारे में, जहां इस मूवी के रिलीज से पहले एज यूजुअल एमसीयू ने इसके कई सारे प्रोमोज और टीवी स्पॉट रिलीज किए हैं। इसमें हमें एमसीयू के अलग अलग मूवीज और कैरेक्टर रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं। क्लिप्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप बिल्कुल भी उन क्लिप्स को मत देखना। साथ ही उन्हीं क्लिप्स में से मोडोक के कैरेक्टर का ये क्लियर लुक सामने आया है। और साथ ही एंटमैन 3 मूवी की अर्ली टेस्ट स्क्रीनिंग रखी गई थी, जहां अभी ये कंफर्म हो चुका है कि इस मूवी में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन होने वाले हैं। और इसी अर्ली टेस्ट स्क्रीनिंग के साथ इसके अर्ली क्रिटिक्स रिव्यू और रिएक्शन सामने आए हैं, जहां क्रिटिक्स के पॉजिटिव रिएक्शन के साथ वो इस मूवी में जोनाथन मेजर्स की एक्टिंग को काफी प्रेज कर रहे हैं। साथ ही इस मूवी में होप का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्ट्रेस एवेंजेलिन लिली ने इनडायरेक्टली हिंट देते हुए बोला है कि अभी टाइम आ चुका है कि उनके वास्प के कैरेक्टर पर एक स्पिन ऑफ मूवी बनाई जाए और वो इसके लिए एमसीयू को पिच करने वाली है। इसी के साथ वैरायटी के रिपोर्ट के मुताबिक हॉलीवुड की टॉप 10 पायरेटेड मूवीज की लिस्ट सामने आई है, जिसमें सबसे ज्यादा पायरेट की जाने वाली मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम होने के साथ इनमें एमसीयू से मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, थॉर लव एंड थंडर और इटर्नल्स और डीसीयू से बैटमैन और ब्लैक एडम की मूवी शामिल है। जैसे कि आप उन सारे मूवीज की लिस्ट की इमेज अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। अगली अपडेट है सीएल से रिलेटेड, जहां इस मूवी में लिप फ्रॉक का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर ब्रैंडन स्टैनली से उनके इंस्टाग्राम पर फैंस ने पूछा था कि क्या उनके कैरेक्टर लिप फ्रॉक का एमसीयू या फिर सीएल के सीजन 2 जो कि ना ही बने तो अच्छा है इनमें रिटर्न होने वाला है कि नहीं। जिस पर उन्होंने कहा है कि वो अभी इसके बारे में श्योर नहीं है, पर एमसीयू की तरफ से उनको इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए अगर कॉल आए तो हमेशा से इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए तैयार रहेंगे। इसी के साथ कुछ रूमर्स के मुताबिक अपकमिंग गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 मूवी का एक स्टोरी प्लॉट रिवील हो चुका है, जहां स्टोरी प्लॉट के मुताबिक गार्डियंस की टीम रॉकेट को बचाने के लिए किसी बहुत ही खतरनाक मिशन पर जाने वाली है जो कि बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होने वाला, और इसी मिशन में पॉसिबली रॉकेट का कैरेक्टर मारा जाने वाला है। अगले अपडेट की बात करें तो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अपकमिंग एवेंजर्स सीक्रेट वॉर मूवी की एंडिंग बदल दी गई है, जहां पहले यह मूवी एक पार्ट में बनकर खत्म की जाने वाली थी, पर अभी इसको एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंडगेम मूवी की तरह 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रिलीज किया जाने वाला है। और ऐसा करना बनता भी है क्योंकि सीक्रेट वॉर्स एक ऐसा इवेंट है जिसको एक मूवी में दिखाकर कंप्लीट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसी के साथ डिज़्नी प्लस ने उनके ट्विटर अकाउंट पर उनके और हुलू स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर आने वाले सीरीज का एक प्रोमो वीडियो शेयर किया है, जिसमें हमें लोकी सीजन 2 के कुछ क्लिप्स देखने को मिलते हैं। मैं इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसको एक बार जरूर देख लेना। ये पे आते ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी पे, जहां किंटोर में बात करते हो इस मूवी के डायरेक्टर रायन कुगलर ने वकांडा फॉरएवर मूवी के कई सारे रिलेटेड सीन और प्लॉट के बारे में बात की है, जहां उन्होंने बोला है कि वकांडा फॉरएवर मूवी के एंड में सर चैडविक बोसमैन के टीचाला के कैरेक्टर की एक क्लिप को दिखाए जाने के साथ जूलिया लुईस ड्रेफस के क्वांटेसा वैलेंटाइन अलेग्रा डी फॉन्टेन के कई सारे सीन्स दिखाए जाने वाले थे, जिसमें सर चैडविक बोसमैन के टीचाला के सीन उनका इस मूवी में वन ऑफ द फेवरेट सीन था, बट बाद में इन दोनों सीन्स को मूवी में यूज नहीं किया गया। आगे उन्होंने वकांडा के एक रूल के बारे में बात करते हुए बोला है कि वकांडा में जब भी कोई ब्लैक पैंथर बनता है तो बस वही एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि ब्लैक कलर के ड्रेस पहनता है, फिर चाहे वो किसी भी तरह के ड्रेस पहने। और इस चीज को उन्होंने ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी रिलीज होने से पहले इसके फर्स्ट ट्रेलर में शुरू को ब्लैक कलर के कपड़ों के साथ दिखाकर वकांडा के नए ब्लैक पैंथर का हिंट भी दिया था, और उनको तब बहुत हंसी आई जब किसी ने भी इस चीज को नोटिस नहीं किया। आगे उन्होंने कहा है कि इस मूवी में जब माइकल बी जॉर्डन के एरिक किलमोंगर का कैमियो दिखाया जाने वाला था, तब उस सीन में खुद माइकल बी जॉर्डन चाहते थे कि उनको इस सीन में हेयर टाइट करके दिखाया जाए, जिससे जब शुरू उससे मिलती है तो फैंस को फर्स्ट अपीयरेंस में ऐसा लगे कि वो रमुंडा है। साथ ही डिज्नी ने यह कंफर्म कर दिया है कि वकांडा फॉरएवर मूवी अपने डिज्नी प्लस पर प्रीमियर और रिलीज के बाद एमसीयू की सबसे ज्यादा बार देखी जाने वाली मूवी बन चुकी है, जहां इसने अचीवमेंट अपने रिलीज के बस 5 ही दिन में हासिल किया है। डिज्नी प्लस की बात हुई है तो कंट्रोल में बात करते हुए जब नेटवर्क से पूछा गया कि क्या एमसीयू के फ्यूचर में कभी एमसीयू डिज्नी प्लस पर उनकी मूवीज को बनाकर डायरेक्ट डिज्नी प्लस पर स्ट्रीम करेगा कि नहीं, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, बल्कि वो डिज्नी प्लस पर बस एमसीयू की सीरीज को स्ट्रीम करेंगे और मूवीज को हमेशा थिएटर्स में रिलीज करेंगे। इसी के साथ मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी से वॉन्ग और मोर्डो के कैरेक्टर के कुछ अल्टरनेट डेथ सीन इमेजेस सामने आए हैं, जिनको मैं यहाँ दिखा नहीं सकता। मैं उन इमेजेस की ट्विटर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहे तो देख लेना। तो बस यार आज के लिए बस इतनी अपडेट थी पूरे मार्वल मूवीज को लेकर। आई होप सो कि आप लोग अपडेटेड हो गए होंगे। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।